एक खबर कानपुर से, जहां पर बच्चे की निर्मम हत्या मामले में आपको बता दें कि सीएम ने परिवार को 5 लाख की मदद दी है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में साथ ही केस को चलाने के निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो आरोपियों को जल्द पकड़े जाने के को लेकर, सजा दिलाने को लेकर निर्देश सीएम की तरफ से, वही पुलिस के खुलासे पर सवाल अब भी बरकरार नजर आ रहा है। तो खुलासे में बच्चे के ऑर्गन्स का जो जिक्र है वो नहीं किया गया है। मृतका की नानी ने इन तमाम सवालों को उठाया है, पुलिस जिस तरह से इस पर जांच की है, तो नानी बोली है कि अमावस्या पर बिटिया की बलि दी गई, तंत्र मंत्र के चलते मासूम की हत्या को अंजाम दिया गया, मासूम के शरीर के अंदरूनी अंग जो कि गायब मिले हैं और उसको लेकर कोई जानकारी वहां पर पुलिस की उस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। और अश्वनी अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अश्वनी निगम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अश्वनी, ये तमाम जो सवाल उठ रहे हैं नानी के जरिए पुलिस वालों की कार्यप्रणाली को लेकर, अभी तक इन पर कोई जवाब पुलिसकर्मियों के जरिए? देखिए, तो अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस अपने आप को आश्वस्त कर रही है कि जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्होंने ही उस बच्ची को ले जाकर के बलि देने के और उस पर हत्या करी। लेकिन बलि की बात को लेकर के वो ऑन द रिकॉर्ड मान रही है, ऑन द रिकॉर्ड की बात नहीं कर रही है। लेकिन बात अच्छी से उसकी निर्मम हत्या करी गई थी, पूरे अंग उसका जो है पेट को फाड़ करके निकाल लिया गया। इस तरीके से पूरा बलि ही लग रहा है कि उस बच्ची को दिवाली की रात में सिर्फ बलि देने के लिए ले जाया गया था। जी, अभी सीएम की तरफ से किस तरह के निर्देश देने के बाद अभी जो कार्रवाई है वो और भी सख्त होती हुई वहां पर दिख रही है, और चूंकि नानी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है, तो क्या उच्च अधिकारियों के जरिए लाइन हाजिर किया गया है कुछ पुलिसकर्मियों को? देखिए, तो अभी पुलिस की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जिस हिसाब से निर्मम हत्या करी गई है, उस मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर के उन्हें जो है 5 लाख रुपए करीब मुआवजा दिया गया है, और साथ ही साथ कल वहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला बना रहा, क्योंकि लगातार ये दूसरा मामला वहाँ पे हुआ। इससे पहले भी पुलिस पर कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और दोबारा ये मामला निकल के आया है, जिसके चलते हुए पूरे गाँव में आक्रोश रहा है। लेकिन लगातार पुलिस इस मामले को लेकर के तभी चल रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। 2 लोगों जो हिरासत में लिया गया है, हो सकता है कि पुलिस इस मामले को लेकर आज कोई खुलासा कर सकती है। चलिए, धन्यवाद आपका अश्वनी हमारे साथ जुड़ने।